हेलो फ्रेंड्स, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हमें केस नंबर फोर्थ करना है। केस नंबर फोर्थ हमारा कौन सा है? व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स होने चाहिए कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा केस थर्ड था, ठीक है। एंड इक्वल, उसमें क्या था कि सबके सब डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन केस फोर्थ क्या बताता है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ इक्वल हो, मतलब रिपीट हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो रहे हो, तब सी एफ क्या होता है? जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा दो बार आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। सेम अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एम फाइव एम सिक्स डैश डैश एम एन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? ई की पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ या फिर जो केस फिफ्थ ऐसे आने जो भी होंगे उनको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तब क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं। वाई सी एफ, इसलिए मैं एक एक एग्जांपल ही करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि वीडियो बड़ा करने की जरूरत नहीं है हमें। ई की पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, क्योंकि सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, और मैंने एक बात बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होती है उतने ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब रूट्स इक्वल हो रहे हो, मतलब दो रूट इक्वल हो रहे हैं, तो सी वन प्लस सी टू एक्स जब तीन हो तब उसके लिए आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, ये बात की बात है, ठीक है। तो सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स प्लस सी फाइव ई की पावर एम फाइव एक्स प्लस सी सिक्स ई की पावर एम सिक्स एक्स प्लस nth टर्म तक। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, लिखा द ऑक्सिलरी इक्वेशन द ए ई ऑफ गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन की ए ई क्या होगी? एम स्क्वायर प्लस वन की स्क्वायर एम माइनस वन की स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये कितने ऑर्डर की क्वेश्चन है? सिक्स ऑर्डर की है, क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब फोर हो जाएगी, और ये स्क्वायर है फोर और टू सिक्स, सिक्स ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कितने ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट होंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में? सिक्स। इतनी बात याद रखो कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है, ये बताना मैं भूल गई थी कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जितने डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगी। अब इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? सिक्स ऑर्डर की है, मतलब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होंगे? सिक्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होंगे। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन की होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड एम माइनस वन की होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब फिर ये दो बार है तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको लिख लेते हैं एम माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड इसको भी लिख सकते हैं एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं, एम इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एम इक्वल टू यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम जीरो प्लस माइनस आयोटा। जीरो मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला केस कर रहे हैं, तो इसमें जीरो लगा लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। एम इक्वल टू वन, यहाँ पे भी एम इक्वल टू वन। अब हमारे पास सिक्स रूट आ गए, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एम वन इक्वल टू क्या है, यहाँ से लिखेंगे आयोटा, फिर एम टू इक्वल टू भी प्लस वाला आयोटा यहाँ से, फिर एम थ्री इक्वल टू माइनस वाला, और यहाँ पे अगर आपकी इच्छा हो तो जीरो प्लस आयोटा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो प्लस आयोटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी जीरो माइनस आयोटा, ताकि एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म लगे। जीरो माइनस आयोटा एम फोर इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा एंड एम फाइव इक्वल टू वन एंड एम सिक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, वाई सी एफ इक्वल टू दो सेम उसके बाद फिर दो सेम, तो इसको कैसे लिखेंगे? ई की पावर अल्फा एक्स, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास जीरो है, ई की पावर जीरो एक्स, ठीक है। सी वन प्लस, अब सिर्फ दो रूट इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फिर हम क्या करेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स तक की इसको रखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स, बीटा की आयोटा की आयोटा के डॉट में क्या होगा, वन होगा, वन इंटू आयोटा इक्वल आयोटा होता है, तो मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास वन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस एक्स, क्योंकि बीटा की वैल्यू वन होगी, प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स
साइन x प्लस प्लस, अब ये दोनों रियल नंबर है बट सेम रियल नंबर है बट इक्वल है, मतलब केस नंबर टू का यूज होगा, c5 प्लस c6 x e की पावर x, यहां से हम लिखेंगे y c of इक्वल टू e की पावर 0x 1 हो गया, c1 प्लस c2 x cos x प्लस c3 प्लस c4 x sin x प्लस c5 प्लस c6 x e की पावर x। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और केस रह गया जिसे हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।